मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे. अभी हम पैंगोंग के लिए निकल रहे हैं. बहुत ज्यादा लेट सर. कोल्ड कॉफी नहीं, पीने को है कुछ? पानी है. ऑलवेज इंटरप्टिंग माई ब्लॉग्स. एनी वे, एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है. नॉट रियली डू एनीथिंग यस्टरडे, बट लेट्स गिव यू गाइस अ रीकैप फर्स्ट. डंडा लगा उस पे निकाल लियो ना. Good morning from a brand new day. As you can tell, I am very, very excited and very happy as usual. As you can tell in every mountain vlog, I wish I can carry this energy with me everywhere I go and wherever I am. But ऐसा होता नहीं है. सुबह से हम काम और editing कर रहे थे. I had a very good sleep. सुबह सुबह उठ के अनुराग woke me up at 8:30 telling me it's 11 a.m. मतलब ये estimation की भी heights होती है. हाँ, अभी we are just leaving for the day. Not sure what we are going to do, but as we always do in Leh, we let the roads make our plans and that is what we are going to do. गाड़ी मैं चलाऊंगा. कल तूने पूरे जैसे लद्दाख एंटर हो ने मेरे से गाड़ी छीन ली. आज प्लीज थोड़ी सी चलाने ना. पहली बार लद्दाख में आया हूँ. ये ना इतना सुन रही है मना करने के लिए. उसकी शक्ल से दिख रही है. वो भी आज मिलती है साले तुझे गाड़ी. ये अनुने को तो वैसे ही चलाने नहीं देना चाहिए बिकॉज ही इज ऑलवेज ड्राइविंग ऑल द टाइम. Like all the time, every trip he will. इस बार नहीं चलाएगा. It'll be either me or it'll be Karan. Yes. Because Anunya Sood does not deserve to drive anymore. Shut up. It. But me. मेरा तो फिर भी it's my fifth time in Ladakh and it is Anunya's 10th time. So he definitely and Karan's first time. और तभी भी हम गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे. जी, but to be fair, I have not driven a lot in Leh. The reason I am so keen on driving because I know now I can. Like every trip, I have gained more confidence in driving. I don't want to say it, but yes, I'm a pro now. And every time we've come before. या तो हमने बाइक रेंट की थी या तो हमने कुछ किया था. एंड आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव. एंड नाउ दैट वी हैव आवर ओन कार हियर. मैंने अरुण को पहले बोलती है जैसे ही करण यहाँ से जाएगा 17th को यहाँ से हानले वेट होल्ड ऑन यहाँ से हानले सोमरी सोमरी टू काजा द कार इज माइन एंड ऑल माइन एंड यू हैव नो राइट्स ऑन द कार. तुम ऐसी हरकतें करते भी नहीं हो कि तुम्हें गाड़ी मिले बदमाश लड़की. शट अप. व्हाट? You're fired. I'm not fired. You are fired. Driver seat में से चुरा ली गई है. चुराई नहीं गई, जीती गई है. Rock paper scissors करके. Whatever. Fair and square. With respect. Fine, fine. That's why I gave it to you. I want my respect. I want my respect. I earned my respect. But at least हमें front seat मिल चुकी है, which is great. Yeah. And Bablu will enjoy the drive from the back. और ये ज़्यादा बात करेगा उसको हम डिक्की में भेज देंगे. Yeah. चल बब. जॉब छोड़ा था मैंने. आई हैव नेवर बीन दिस मेंटली फ्री एंड रिलैक्स इन ईयर्स. लेट मी टेल यू, ईयर्स. आई एम जस्ट गोना स्टे हियर एंड एंजॉय द साउंड ऑफ द रिवर. चांगला एंड अभी रस्ते में गाड़ियों में दिखी थी एंड दे थ्रू अ फ्रीकिंग प्लास्टिक बॉटल आउटसाइड. बट वी मेड श्योर दैट वी टोल्ड देम कि भाई जाके या तो वापस लेके आओ या तो आगे ऐसी हरकतें करो मत, तो या तो तुम आओ ही ना. चांगला तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाट टाइम वी विल रीच. 1 2 3 4 5 डोंट बी दिस इडियट. जब मैं पहली बार अरुणा के साथ आई थी, दैट वाज इन 2018.
अभी हम मैं बात ही कर रहे थे कि पता नहीं हम कितनी ले की हाइलाइट्स बनाएंगे इंस्टाग्राम पे. सारी मेमोरीज वापस याद आ रही है कि हम यहाँ इस पत्थर पे रुके थे, हमने ये किया था, यहाँ पे ऐसे हो रहा था, सैंडस्टॉर्म आई थी, बढ़िया. यही बोला था कि दो रात रुक जाते हैं अभी हम बस जगह ढूंढ रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू द गॉसिप इन अ बिट. दो टेंट है बट अभी वो बंदे आए नहीं है और लग रहा है हमें कहता लग नहीं रहा हमें आएंगे. ये बुकिंग से याद आया, जो भी पैंगोंग आओ नो मैटर व्हेन यू कम बुकिंग करके आना. अकोमोडेशन आई थिंक मिल ही गया है. हुआ क्या था, वी केम टू दिस प्लेस ऑनलाइन, हमें प्राइस 4500 दिखा रहा था. वी रीच हियर दिस गाय इज लाइक 7000 से नीचे में नहीं देंगे. देन ही इज लाइक ओके 6500. सो वी लाइक फाइन इट्स ओके, डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. Guys, we're having a picnic and जब से हम ले से निकले हैं, दानिश ने हमारे लिए सब कुछ पिकने वाला सब कुछ everything pack कराया था and the kava is still hot. It feels amazing. बस दो मिनट पकड़े रख. खीर, पनीर, mixed veg, दाल and चावल. This is our tent for tonight. This is the bathroom, private. हमने यहीं पे एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया था. हम कितने पैसे दे रहे हैं इसके लिए? 9000 including dinner and breakfast. इतने पैसे मैंने कहीं पे नहीं पटे होंगे. क्या मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट तू ही बोल यार पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है. मैंने इसको पहले ही बोल दिया था, मैं कहा मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं. पैसे देने में नहीं, पर जैसे वो बंदे ने बात की ना और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था. हमारे पास सिर्फ 6000 कैश था, 3000 सब्सक्राइबर ने दिया इसके करण के. तो मैं उसको बोल रहा था कि भाई तेरा फोन चल रहा है यहाँ पे BSNL का, UPI करके दो मिनट में करवा दूंगा पैसे सबके. हाँ जो देता, कह रहा नहीं लेना इनको, भगा ऐसे बोल, कैश है तो है नहीं तो जा यहाँ से. मतलब ही वाज दैट मीन. एनीवे कल सुबह मिलते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो. गुड मॉर्निंग दोस्तों. गुड मॉर्निंग दोस्तों. मेरा छोटा आज बढ़िया एकदम, हमने कल रात को रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था ब्लू ब्लीच. अरे मेरे को बताने से ढंग से, सो मैं टाइम लैप्स लगा दूंगी. यहाँ पे बबलू और मैंने कल मिल्की वे का टाइम लैप्स लिया एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल. आई थिंक आई हैव नेवर सीन अ क्लियर स्काई बिफोर. एंड हमने बबलू की पिक्स भी ली. थैंक्स थैंक्स. एंड या वी वर जस्ट सिटिंग आउटसाइड वॉचिंग द स्टार्स एंड काउंटिंग. हाँ यार इतना, it was so nice and we felt so relaxed and बबलू ने after so long took the kind of photo that he takes. मैं इसको इतने time से बोल ही रही थी that बढ़िया मज़े आए यार छोटे. He's forgotten the photographer that he was, but he compensated for that last night and I saw about 12 shooting stars which is amazing. I saw 20. बबलू नहीं, you saw probably 8, not 20. अभी हम बस थोड़ा content लेने जा रहे हैं, थोड़ी pictures वगैरह. इस बार मेरे को altitude sickness बिल्कुल नहीं हुआ. काफ़ी सही लग रहा है नियर द लेक. सो सिंस इस टाइम हम समर में आए हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एज यू कैन टेल मैंने जैकेट भी उतार दिया. रात को भी वॉज नॉट अनकम्फर्टेबल, बहुत आराम से सोए हैं एक टी शर्ट में. हम लोग ऐसे अगर फिशिंग करने की कोशिश कर रहे थे. शूट इज़ फाइनली डन, अब हम निकल रहे हैं. देयर इज़ दिस प्लेस, किसी हमें लोकल ने बताई थी. इट्स अबाउट 10 kilometers अवे फ्रॉम द मेन एरिया जहाँ पे सारे कैंप्स लगे हुए हैं. And it's called Mann. It's very close to the border, but apparently वहाँ से view बहुत अच्छा आता है. We haven't really tried going there ever before because या तो हम taxi में आते हैं, या तो जब हम first time आए थे, या तो late हो रहे होते हैं. First time आए थे हमें पता नहीं था. किनारे में जाओ ना आप रास्ता, उसी में आप Mann पहुँच जाएंगे. तो अभी कैसे जाएं नीचे? अभी इधर से नीचे जाने दो. Blue wallet डालना चाहिए. चलो हमने heavy driver को गाड़ी दे दी. अब Bubble are you a heavy driver? Sure dear, I'm the heaviest driver of all. Bubble. Whenever I go on any road,
up and said, you know, I feel more confident. Ab mere se kuch bhi ho sakta hai. And now I've also driven on the worst roads ever. And ये बहुत one major thing of the bucket list for me. अब मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता. एक और जगह है जहाँ पे मेरे को गाड़ी चलानी है. पंगी. पंगी. That is हाँ that is the most dangerous road. नहीं सचपास is the most dangerous road. सचपास. अच्छा चल next will be सचपास next. Guys दुनिया की सबसे बेवकूफ vlogger हूँ मैं because although I did start this vlog I never ended it and for the last 3-4 days not only have I not started any vlog properly I have not ended any vlog properly either. So I don't know, editing में पता चलेगा आगे क्या आएगा. But make sure you like, share and subscribe and see you in the next video.